हेलो स्टूडेंट्स, आवर सेंटर पानीर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया अनाउंसेस ए ग्रैंड ऑफर स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एडमिशन। इट इज ए टेस्ट ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स is 18 months, 1.5 years. All the new students who are willing to learn here are invited to appear at the test, as well as the students of the running batch 2:30 o'clock can also appear at this test. Even the students who have completed their course or who are on the verge of completing their course are also invited if they want to revise, to repeat the courses. जो भी स्टूडेंट्स चाहें, नए हो, पुराने हो, रनिंग बैचेस के हों, वो सभी इसमें इनवाइटेड हैं। टेस्ट का सिलेबस, कहां से सवाल पूछे जाएंगे, वीडियो क्लासेस ऑफ हैशटैग पानीर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया 7th मार्च 2022 टू 15th जुलाई 2022 के सारे वीडियोस आपको देखने होंगे और इन्हीं वीडियोस में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न इंग्लिश या इंग्लिश से जुड़े रीजनिंग, कहने का मतलब किसी भी तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। So, आपको इनको बहुत ही बारीकी से वॉच करना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने होंगे और अच्छी तैयारी करनी होगी। क्वेश्चंस की संख्या 100 होगी और सारे सवाल MCQ टाइप होंगे। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से एक सही ऑप्शन को अपने OMR सीट पर मार्क कर देना है। टेस्ट का डेट होगा 25th जुलाई 2022 एट 11:30 AM। इस टेस्ट का रिजल्ट 28th जुलाई 2022 को पब्लिश किया जाएगा और जो क्वालिफायर्स होंगे उन कंडीशंस के आधार पर उनका एडमिशन आने वाले 4th अगस्त 2022 के बैच में किया जाएगा। टेस्ट फी 100 रुपीज। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल इन कर सबमिट करना होगा। रिक्वायरमेंट्स है आपके मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन के मार्क्स और परसेंटेज। इनमें से जो भी आप पर एप्लीकेबल होता है, आपके पास केवल मैट्रिक है तो मैट्रिक ही चलेगा, आप ग्रेजुएशन तक हैं तो वहां के मार्क्स चाहिए। एट द टाइम आप किस क्लास में हैं, आप क्या परसू कर रहे हैं, उसकी चर्चा करनी होगी। एक आधार की कॉपी लगेगी, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा और व्हाट्सएप नंबर आपको देना होगा। यदि ऑल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 21st जुलाई। याद रखें 25 जुलाई को आपका टेस्ट है, 21 जुलाई तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, 28 जुलाई को रिजल्ट है। क्वालिफायर्स का एडमिशन 4 अगस्त में आने वाले बैच में होगा। कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, तो जितने नए स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं।
अढ़ाई बजे वाले बैच भी इसका फायदा उठा सकते हैं। रनिंग बैचेस के स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकते हैं। इवन ओल्ड स्टूडेंट्स जो यहां से ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट करके निकल चुके हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑफर्स क्या है तो 95% ऑनवर्ड 95% से लेकर के 100 के बीच में जो भी अंक लाएंगे उनमें से 5 क्वालिफायर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन मिलेगा, नो चार्जेस, नो फीस। अब आपके मन में होगा कि यदि 5 से ज्यादा क्वालिफाई कर गए तो उनका क्या होगा। यदि मान लीजिए 10 क्वालिफाई कर गए तो 5 का एडमिशन इस बैच में और जो 5 क्वालिफायर्स बच गए उनको आने वाले नेक्स्ट बैच में एडमिशन मिलेगा, उनको बैक नहीं किया जाएगा। दूसरा ऑफर है जो कैंडिडेट्स 90-94% मार्क्स सिक्योर करेंगे उनमें से 10 को 50% डिस्काउंट पे एडमिशन मिलेगा। और तीसरा है 80-89% जो अचीव करेंगे उनमें से 15 स्टूडेंट्स को क्वालिफायर्स को 25% डिस्काउंट मिलेगा थ्रू आउट वेदर यू आर ऑन मंथली बेसिस और डाउन पेमेंट सभी में। एक और विशेष ऑफर है जिसकी चर्चा मैंने यहां नहीं की है, जो डाउन पेमेंट वन टाइम देंगे उनको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छे ऑफर्स हैं स्टूडेंट्स। नए स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए बिल्कुल स्वच्छंद होकर के तैयारी करें, रनिंग बैचेस के स्टूडेंट्स तैयारी करें, पुराने बैचेस के स्टूडेंट तैयारी करें। रनिंग बैचेस में जिनका अभी मंथली पेमेंट है 2:30 बजे 2:30 में जो बैच चल रहा है उसके स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं, ये अचीव करेंगे और ये उनको बेनिफिट मिलेगा। यदि 95+ में आते हैं वो तो अब के बाद से उनको फी देने की जरूरत नहीं होगी। 5 याद रखना है। 90-94% में आते हैं तो 10 क्वालिफायर्स को अभी के बाद के फीस में 50% डिस्काउंट आ जाएगा। तीसरा भी उसी तरह से लागू रहेगा। जो यहां से कोर्स कंप्लीट करने निकल चुके हैं यदि वो रिपीट करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, वो भी इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। आइए इस मौके का फायदा उठाएं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को जागृत करें और यहां इंग्लिश पढ़ने के लिए आ जाएं। दे ऑल आर वेलकम टू पायनियर कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया। थैंक यू।